Hello everyone, we are a team of Monica Nursing Academy. This is the first nursing coaching institute in all Himachal Pradesh. We provide coaching to nursing students for various government nursing exams and to get admission in government institute for higher studies. We provide online as well as offline coaching. For more details, you can contact us on 821-90-33032. And you can also visit our academy. Our address is Thakur Complex, behind IDBI Bank, near DCA office, Hamirpur. So today we will discuss regarding the anatomy and physiology of the cardiovascular system. Firstly, here it is given that heart is a hollow muscular organ. जो हमारा heart होता है, उसमें muscles present होते हैं और उन muscles को बोला जाता है cardiac muscles. अगर हम वेट की बात करें, अप्रोक्सीमेट जो वेट होता है हमारे हार्ट का, दैट इज अप्रोक्सीमेट 300 ग्राम, दैट मींस 300 ग्राम. अगर हम मेल और फीमेल सेक्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हम कितना रेंज लेके चलते हैं. हियर यू कैन सी फर्स्ट वन इज इन केस ऑफ अ मेल रेंज इज अप्रोक्सीमेट 280 टू 340 ग्राम्स, वेयर एज इन केस ऑफ फीमेल इट्स रेंज इज 230 to 280 gram. And next, the location where exactly it is present between the two lungs, and that space is known to be as a mediastinum. हमारा जो heart है, दो lungs के बीच में present होता है, और उस space को बोला जाता है mediastinum. Next, हमारे heart के जो portion होते हैं, वो दो portion होते हैं. First is apex portion, and second one is a base portion. Let me show you with the help of diagram. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो नीचे वाला हिस्सा है, दिस इज अपेक्स पोर्शन, एंड दिस पर्टिकुलर पोर्शन जो ऊपर वाला पोर्शन है, जहां से मेन आर्टरी जो है वो ओरिजिनेट कर रही है, दिस इज द बेस पोर्शन ऑफ द हार्ट. नाउ वेयर एग्जैक्टली दिस बेस एंड अपेक्स इज लोकेटेड? फर्स्ट वन इज अपेक्स. इट इज अबाउट 9 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट ऑफ मिड लाइन एट द लेवल ऑफ द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस. दिस इज द लोकेशन ऑफ अपेक्स पोर्शन ऑफ हार्ट. एंड नेक्स्ट वन इज अ बेस. लोकेशन ऑफ बेस ऑफ हार्ट इज टू द लेवल ऑफ द थर्ड कोस्टल कार्टिलेज. नेक्स्ट वी विल मूव टू द लेयर्स ऑफ द हार्ट. हमारे हार्ट के टोटल लेयर्स होती हैं 3, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. फर्स्ट वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द आउटर मोस्ट लेयर, व्हिच इज टर्म्ड टू बी एज अ पेरिकार्डियम. पेरिकार्डियम लेयर जो है हमारे हार्ट की सबसे बाहर वाली लेयर है. इसके फर्दर जो है हमारे पास दो पार्ट्स आते हैं. आउटर सैक जो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसका बना होता है, फाइब्रस टिश्यूज. एंड सेकेंड वन इज इनर ऑफ कॉन्टिनस, डबल लेयर ऑफ सीरस मेम्ब्रेन. जो आउटर लेयर है, दैट इज मेड अप ऑफ द फाइब्रस टिश्यू, और जो हमारे पास इनर लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ द डबल लेयर. ये जो हमारे पास लेयर है, दिस इज मेड अप ऑफ द डबल लेयर. अब इसमें डबल लेयर कौन कौन सी हैं? इसमें जो हमारे पास दो लेयर आती हैं, वी विल डिस्कस रिगार्डिंग डबल लेयर. तो इसका जो बाहर वाला पोर्शन है, दैट इज मेड अप ऑफ द पेराइटल पेरिकार्डियम. हियर यू कैन सी दिस इज अ पेराइटल पेरिकार्डियम. और जो अंदर वाला पोर्शन है, इसको बोला जाता है विस्ट्रल पेरिकार्डियम. नेक्स्ट, इन दोनों के बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है, वहां पे हमारे पास प्रेजेंट होता है फ्लूइड, और उसको बोला जाता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिसका अमाउंट होता है अप्रोक्सीमेट 5 to 20 ml. हमारे पेराइटल और विसल पेरिकार्डियम के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, वहां पे एग्जिस्ट करता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, जिसका अमाउंट होता है अप्रोक्सीमेट 5 to 20 ml. और पेरिकार्डियम को एक और नाम से जाना जाता है, इट इज ऑल्सो टर्म्स टू बी एज एपिकार्डियम. So this is regarding the outermost layer. Next हम बात करेंगे middle layer की. Middle layer is termed to be as a myocardium. तो यहाँ से question आता है कि सबसे main layer कौन से हमारे heart की, which is responsible for the beating of the heart. Then answer would be myocardium, which is the middle layer of the heart. And last one is जो सबसे अंदर layer कौन से present होती है हमारे heart की, that is endocardium, which is very thin, smooth and glistening membrane, which permit the smooth flow of blood inside the heart. ये क्यों इतनी ज्यादा thin होती है और glistening membrane होती है? ताकि easily जो है वो blood flow कर सके हमारे heart के अंदर. So this is regarding the layer of the heart. For more such topic, you can like and subscribe our channel. Thank you very much.